बहनों और भाइयों साथियों, आज फिर आप हम यहाँ जमा हुए हैं एक सालगिरह मनाने, अपने आज़ाद हिंद की सालगिरह। और आज फिर हम कुछ तो पीछे देखते हैं कि क्या हमने किया, और कुछ आगे देखते हैं कि क्या हमें करना है। बारह बरस हुए हजारों बरस के इतिहास में इस मुल्क के, इस कौम के, 12 बरस बहुत कम जमाना है। ये आकाशवाणी यहाँ दिल्ली के इधर उधर की मट्टी ने और पत्थरों ने हजारों बरस को आते और जाते देखा, और अब इन 12 बरसों को भी देखा। ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रह जिसमें आपने, हमने और हिंदुस्तान के रहने वालों ने कोशिश की पुराने जमाने से, पुरानी मुसीबतों से, पुरानी गरीबी से अपने को निकालने की। मुश्किल काम था, गुलामी को दूर करने से ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इसमें अपने कमजोरियों को निकालना था और 500 पुराने बोझे जो हमारे पीठ पे थे उनको हटाना था। 12 बरस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपके सामने है। बहुत अच्छी बातें हुई, कुछ बुरी बातें हुई, बहुत बातें हुई जो मैं समझता हूँ भारत के आइंदा के इतिहास में लिखी जाएंगी, और ऐसी बातें भी हुई जिन्होंने हमें कमजोर किया या हमारी कमजोरियां जाहिर हुई। तो फिर आज हम और आप मिले यहाँ इस लाल किले के पास, और अपने झंडे को फिर से फहराया, तो क्या आपके दिलों में है बात, क्या सोचते हैं आप आइंदा के लिए? इन 12 बरसों में काफी कठिनाइयों का सामना किया, मुसीबतों का, बाहर से अंदर से काफी हमारे ऊपर प्रकृति का भी भेजे हुई मुसीबतें आई, कभी बाढ़, कभी अकाल, कभी फसलें खराब हुई, काफी हमारे अपनी कमजोरियों ने भी हमारा पीछा किया, हम में से लोगों ने गलत रास्ते उठाए, अपने लोभ में, खुदगर्जी में भूल गए कि कौम का, जाति का फायदा किस में है, भूल गए कि हम बड़े कामों में लगे हैं इस मुल्क को फिर एक शानदार और बड़ा मुल्क बनाना, और वक्ती खुदगर्जी में फंस के उन्होंने कौम को, जाति को हानि पहुंचाई। आप लोग आजकल भी कुछ दिक्कतों में हैं, परेशानियों में हैं, महंगाई की और इस तरह की बातें, कुछ तो लाचारी है, पूरी तौर से काबू की बात नहीं हमारे इस समय, हालांकि काबू में आएगी, कुछ इंसान की बनाई हुई, इंसान की खुदगर्जी की बनाई हुई, जो भी कुछ हो उसका सामना करना है। लेकिन आज के दिन विशेष कर हमें याद रखना है हम क्या हैं, क्या होना चाहते हैं, किस रास्ते पे चलना चाहते हैं। फिर से जरा 12 बरस के पहले के जमाने को याद करना है, जब कि हमारे बड़े नेता गांधी जी हमारे साथ थे और उनके तरफ हम देखते थे। बरसों तक उनके तरफ हमने देखा, बरसों तक हमने उनके रास्ते पर चलने की कोशिश की, और उस पर चल के सफलता मिली हमें। कहाँ तक हमें वो बातें याद हैं, कहाँ तक उसको हम सामने रखते हैं अपने, कहाँ तक हम इस बात को हर वक्त याद करते हैं कि पहला काम हमारे मुल्क में अपनी एकता को बनाना है। क्योंकि अगर हम अलग अलग टुकड़ों में हो गए, अलग अलग टुकड़े, चाहे वो सूबे के हों
चाहे वो भाषा के हो, चाहे जाति के, धर्म के या कोई और हो, तब सारी हमारी ताकत खत्म हो गई, तब हम गिरते आगे नहीं बढ़ते। तब बजाय इसके कि आइंदा का हमारा इतिहास एक चमकता हुआ हो, छोटी छोटी कौमों की लड़ाई का हो जाता है। इसलिए पहली बात याद रखने की है हमारी एकता, और ये कि जो हमारे आपस में दीवारें हैं पुरानी या नई, उनको हमें तोड़ना है। और हमेशा हमें सोचना है अपने मुल्क की, भारत की, और एक उसके हिस्से की नहीं, चाहे वो हिस्सा कितना ही भला और अच्छा क्यों ना हो। क्योंकि वो हिस्सा अगर उसमें कुछ ऊंचाई है तो इसलिए कि भारत का वो हिस्सा है। भारत के हिस्से न होने पर उसकी कोई ऊंचाई और अहमियत नहीं रहती। तो ये बात हमें याद करने की है, क्योंकि एक जमानों में रहकर हम अपने जाति भेद में इस कदर आदी हो गए, टुकड़ों टुकड़ों में रहकर, कि मिलकर रहने की आदत पूरी नहीं आई। इसको हमें हटाना है और इस पर भी फतेह पानी है। दूसरी बात ये कि हमारा आइंदा का ध्येय क्या, मकसद क्या, आर्थिक है, सामाजिक है, हिंदुस्तान से गरीबी निकालनी है, सब बातें कही जाती हैं और सही है, लेकिन आखिर किस गज से आप इन बातों को नापेंगे? एक गज गांधी जी ने हमें बताया था और हमने स्वीकार किया कि किस तरह से हिंदुस्तान के आम लोग आगे बढ़ते हैं। खास लोग बड़े हुए हैं, उनकी कोई खास फिक्र नहीं करनी, वो अपने की देखभाल भी कर लेते हैं, ऊंची आवाज से शिकायत भी कर सकते हैं जब जरूरत हो, लेकिन जो आम लोग हैं, जो अक्सर खामोश लोग हैं, और खास कर जो हमारे लोग गांव में रहते हैं, उनकी देखभाल कौन करे, कौन उनको उठाए? क्योंकि याद रखिए, दिल्ली शहर एक खास शहर है हिंदुस्तान का और दुनिया का, और आप हम जो दिल्ली में रहते हैं वो एक माने में खुश नसीब हैं, लेकिन दिल्ली शहर हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान की राजधानी है, हिंदुस्तान तो लाखों गांव का है, और जब तक वो लाखों गांव हिंदुस्तान के नहीं उठते, नहीं जागते, नहीं आगे बढ़ते, तो दिल्ली और बम्बई और कलकत्ता और मद्रास हिंदुस्तान को नहीं आगे ले जाएंगे। इसलिए हमेशा हमें अपने सामने ये लाखों गाँव को रखना है, किस तरह से वो बढ़ें, किस तरह से बढ़ेंगे वो, आपकी और मेरी कोशिश से जरूर, लेकिन आखिर में वो बढ़ेंगे अपनी कोशिश से, अपनी हिम्मत से, अपने ऊपर भरोसा करके। और इस वक्त जो हमारे ऊपर एक मुसीबत आई है वो ये कि हमारे लोग अपने ऊपर भरोसा करना भूल के समझते हैं कि और लोग मदद करेंगे। हमारे गांव वाले तगड़े लोग हैं, भले लोग हैं, हर वक्त एक आदत पड़ गई है देखें कि सरकारी अफसर कुछ कर दे, सरकार उनके लिए कुछ कर दे, बजाय इसके कि खुद उठ खड़े हो और काम करें। इसीलिए योजनाएं बनी कि वो खुद करें, विकास योजना, कम्युनिटी डेवलपमेंट वगैरह, और अगर वो ठीक ठीक चले तो एक क्रांतिकारी चीज है भारत के लिए, दुनिया के लिए, सारे हिंदुस्तान के 5.5 लाख गांव जाग उठे। और अगर वहाँ महज सरकारी अफसर काम करते हैं तब क्रांति नहीं है, तब तो एक मामूली ढंग, अफसरी ढंग है जो बेजान हो जाता है। जान अंदर से आती है, ऊपर से नहीं डाली जाती है किसी कौम में। इसलिए हमारे लिए ये बड़ा सवाल हो गया है मुल्क में, चाहे शहर के रहने वाले हों, चाहे गांव के, देहात के, कि हम लोग अपने पैरों पर, टांगों पर खड़े हों, अपने सहयोग से काम करें। ज़रूर हुकूमत को मदद करनी है हर तरह से, शासन को, अफसर को, लेकिन अफसरों की मदद से कौम नहीं बढ़ती है, कौम अपने पैरों से बढ़ती है। और ये बात विशेषकर गांव के लिए है, इसीलिए हमने कहा कि सहयोग, सहकारी समितियों में काम हो, कि लोगों की शक्ति बढ़े, लोग मिलकर काम करना सीखें और अपने ऊपर भरोसा करना सीखें। इसके माने नहीं कि जो जो शासन हो
जो हुकूमत हो वो हर जगह दखल दे। मैं तो चाहता हूँ कि हुकूमत का दखल कम से कम हो और लोग अपने हाथ में बागडोर अपनी ले। हाँ, जो बड़ी उसूली बातें हैं वो निश्चय हों। तो ये एक दूसरी बात याद रखने की है कि इस गज से हम नापें हिंदुस्तान की तरक्की, वो एक ही गज है। किस तरह से यहाँ के 40 करोड़ लोग बढ़ते, कैसे बढ़ती है कौम, ये आकाशवाणी ध्वनि अपनी मेहनत से। कैसे गरीब कौम खुशहाल होती है, अपनी मेहनत से। कोई जाके औरों की खैरात से तो उठते नहीं लोग। तो अगर हमारे लोग बढ़ेंगे तो अपने परिश्रम और मेहनत से, जिससे वो पैदा करें, दौलत पैदा करें, धन पैदा करें, जो मुल्क में फैले और मुल्क दुनिया के खुशहाल मुल्क हैं। बाज गरीब खुशहाल मुल्कों को आप देखिए कैसे हुए हैं खुशहाल, मेहनत से और परिश्रम से। चाहे यूरोप के, चाहे अमेरिका के, चाहे कोई एशिया के मुल्क जो हों, ऐसे खुशहाल हों। सबों के पीछे मेहनत है, परिश्रम है, दिन और रात की मेहनत है और एकता है। दो चीज़ों ने उनको बढ़ाया, बगैर इसके नहीं कोई बढ़ सकता। हमारे यहाँ अभी हिंदुस्तान में काफ़ी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं हुई। हमारा कसूर नहीं, आदतें ऐसी पड़ जाती हैं वाकयात से। लेकिन बात यह है कि हम उतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले कहीं करते या अमेरिका वाले। ये न समझिए कि वो कौमें खुशहाल हो गई कोई जादू से, मेहनत से हुई हैं और अकल से हुई हैं। तो हम भी मेहनत और अकल से बढ़ सकते हैं, कोई और चारा नहीं। कोई जादू से हम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि दुनिया चलती है इंसान के काम से, इंसान की मेहनत से सारी दुनिया की दौलत पैदा होती है। चाहे ज़मीन पर किसान काम करता है या कारखाने में या दुकान में या कारीगर, उससे काम चलता है। कुछ बड़े अफसर दफ्तरों में बैठ के इंतज़ाम करते हैं, वो दौलत नहीं पैदा करते। दौलत पैदा करता है किसान अपनी मेहनत से या कारीगर या। तो हमें अपने काम, अपनी मेहनत को बढ़ाना है। अभी मुझे खुशी हुई देखकर कि पंजाब के सूबे में काम करने के वक्त बढ़ाए गए। इससे पंजाब की दौलत बढ़ेगी, पंजाब के लोगों को फायदा होगा और किसी को नहीं। हमारे यहाँ छुट्टियाँ, इतनी छुट्टियाँ हैं कि इसमें कोई मुल्क हमारा मुकाबला नहीं कर सकता दुनिया भर में। छुट्टी अच्छी चीज़ है, आदमी को ताज़ा करती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा छुट्टी ज़रा कमज़ोर भी कर देती है और काम की आदत भी निकल जाती है। तो हम इस वक्त आप जानते हैं एक दरवाज़े पर हैं, तीसरे पंचवर्षीय योजना के। ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की पहले दो हो गए और उससे हमें लाभ हुआ, फायदा हुआ, और जो जो हम आगे बढ़े हमारे सवाल भी बढ़े। हमारे सामने सवालों ने हमें घेरा, हाथ पैर हमारे पकड़े और अक्सर उनका बोझा बहुत जबरदस्त हो गया। लेकिन हम बढ़े और ये बढ़ने की निशानी है कि सवाल भी हमारे सामने आए। जो नहीं आगे बढ़ता उसके सामने न सवाल है न जवाब है। ये आज भी हम सवालों से घिरे, परेशानियों से घिरे, लेकिन वो परेशानियां और वो सवाल एक बढ़ते हुए मुल्क के और बढ़ रहा है एक बुनियाद से, हालांकि उसकी तकलीफ भी उठानी पड़ती है। बन रहे हैं बड़े बड़े लोहे के कारखाने, बन रहे हैं तरह तरह के बड़े, क्या माने हैं इसके। वो कोई कारखाना खाली नहीं है, बल्कि वहां से एक नई जान निकलेगी जिससे हिंदुस्तान के कोने कोने में बड़े बड़े उद्योग धंधे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बने। वो एक बुनियाद होगी कि यहाँ लाखों आदमियों के लिए काम निकले और वो लाखों आदमी अपने काम से दौलत पैदा करें। इस तरह से आप देखें, सारी पंचवर्षीय योजना खाली एक एक चीज़ इधर बनानी नहीं है, बल्कि एक ज़बरदस्त इमारत बनानी है आज़ाद और खुशहाल हिंदुस्तान की।
अब उसके बनाने में बुनियाद है, ये और जब तक बुनियाद मजबूत न हो ऊपर के उस कैसे बने, बुनियाद दिखती नहीं है, हालांकि अब दिखने लगे। तो ये दो वर्षों में, दो पंचवर्षीय योजनाओं में हुआ और रहा, तीसरी आती है आपके दरवाजे पर है, अभी साल डेढ़ बरस बाद उसकी अभी से तैयारी है। मैं चाहता हूँ आप समझें उसको, क्योंकि वो भी कोई आराम का वक्त नहीं लाएगी, हमें जोर करके उसको भी पूरा करना है, मेहनत से, बगैर मेहनत के, बगैर तकलीफ उठाए कोई कौम बढ़ती नहीं। जो लोग नहीं करते वो ढीले हो जाते हैं, उनका मुल्क ढीला हो जाता है, उनका कदम हल्का हो जाता है। तो हमारे सामने फिर से इम्तिहान है, एक चुनौती है दुनिया का, और दुनिया की नज़रें भी किसी कदर हमारे तरफ हैं। ये एक बड़ा ज़बरदस्त मुल्क जिसने इस ज़माने में भी एक ऐसा आदमी पैदा किया जैसे महात्मा गांधी, अब क्या करता है, और अब क्या करता है खाली इस बारे में नहीं कि विकास योजनाएं और हम कारखाने बनाएं, अपनी खेती की तरक्की करें और अपने यहाँ गल्ला ज़्यादा पैदा करें, जो जो ज़रूरी बातें हम करें, लेकिन किस ढंग से हम इन बातों को करते हैं, शान से सिर ऊंचा करके या सिर झुका के और बुरे रास्तों पे चल के। ये बात याद रखने की है, क्योंकि जो अव्वल और दूसरी और तीसरा सबक गांधी जी ने हमें सिखाया वो सिर ऊंचा रखने का, वो ये कभी गलत बात ना करें, कभी झूठ रास्ते पे न चलें, कभी खुद गर्जी में न पड़ के मुल्क को नुकसान न करें। ये उनका बुनियादी सबक था, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए। और जिस वक्त हम इसको भूलें उस वक्त हम गिरते हैं। इसलिए 12 बरस गुजरे और 13वें बरस में हम आप कदम उठाते हैं, सिर ऊंचा करके कदम उठाइए, पैर मिला के आगे चलिए, हाथ मिला के आगे चलिए, और इस इरादे करके कि जो हमारी मंजिल है वहाँ हम वक्त से पहुँचें। जय हिंद। मेरे साथ 3 बार आप जय हिंद कहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।